प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार क्लिप्स। मुंब्रा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसके पास से पिस्तौल, कारतूस, चॉपर, चाकू बरामद किया गया है। आरोपी जो है ये अमृत नगर के रहने वाले हैं, हमीद ताजुद्दीन उर्फ मोनू, रेहान अफसर शेख उर्फ 25, रिजवान अफसर शेख उर्फ 50। ये तीनों आरोपियों को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अनिल शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आरोपी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान इसकी जानकारी पुलिस को लग गई। पुलिस ने मुंब्रा के अमृत नगर इलाके से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले भी जो है कई क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। लोकसभा इलेक्शन को जो माहौल चालू है उसके हिसाब से कुछ रिकॉर्ड पर के बड़े गुनेगार यहाँ पे आने वाले थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे DB के जो कोरडे साहब AP है उनको थी। इसके पहले हर मीटिंग में थाना के पुलिस आयुक्त श्री आशुतोष डुमरे सर, इन्होंने हमें ऑर्डर दी थी कि ऐसे गुनेगार जो वेपन्स यूज कर रहे या बेच रहे, खरीद कर रहे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उस हिसाब से ट्रैप लगाया था 8/5/24 को, उसमें हमीद राजा ताजुद्दीन शेख उर्फ मोनू, रेहान अफसर शेख उर्फ 25 और रिजवान अफसर शेख उर्फ 50, ये बहुत बड़े गुनेगार है और इन्होंने बड़ा प्लानिंग किया था, एक बड़ा हादसा होने वाला था अपने यहाँ पे, वो इनको ट्रैप करके अरेस्ट करने के कारण वो बड़ा हादसा हुआ नहीं अपने यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रिवेंशन हुआ है। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई? अमृत नगर एरिया में 8/5 को हुई थी। कौन कौन से हथियार से लेके आते सर? वेपन अलग अलग जगह से लाते हैं, अभी उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हम। उसमें एक रिवॉल्वर था, एक चॉपर था और एक खंजीर था। सर ऐसा नहीं लग रहा होगा मुंब्रा में वापस से क्राइम रेटिंग बढ़ते जा रही है? हाल ही में अभी वापस से वेपन मिला था और अभी फिर ये हथियार मिले, क्या कहना चाहिए? हाँ, गुनेगार तो या बाहर के गुनेगार या छुपने को आते हैं, मगर ये ऐसी सख्त कार्रवाई हमेशा चालू रहेगी तो यहाँ गुनेगार आना बंद हो जाएगा। ये अपनी तीसरी कार्रवाई है और 4 वेपन अपन ने कवर किए। आरोपी के खिलाफ और कितने मुकदमे हैं? बहुत 5-5, 6-6 एक एक आरोपी। हाँ, 307 में वांटेड है वो जी सर। लेकिन सर फिर वापस भी आ जाते तो अभी थाने पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी इनके खिलाफ, के ये इन पर प्रतिबंध लगे हैं? प्रिवेंशन करेंगे ना उसके ऊपर। सर ये तीन लोग हैं कि उनके साथ और भी कुछ लोग हैं? नहीं, इन्होंने जिनसे वेपन खरीदे किए वो मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं इसमें आरोप। कोर्ट में पेश किया गया? हाँ, PCR मिला है। कितनी तारीख तक का PCR? आज तक प्रिसियर है और ट्राई करने वाले अपन बढ़ाने के लिए। ठीक ठीक ठीक।